खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं के सबसे बड़ी गोला नदी नंधौर और शारदा नदी से खनन सत्र समाप्त होते ही फावड़े और बेलचों की खनखनाहट बंद हो गई है। बता दें कि इस बार खनन कार्य से सरकार को भी भारी भरकम राजस्व की प्राप्ति हुई। अगर बात गोला नदी की करें तो इस बार सरकार द्वारा 42.44 लाख घन मीटर खनन निकासी का लक्ष्य रखा गया था। इसके तहत 41.40 लाख घन मीटर की अब खनिज की निकासी हुई है, जहां सरकार को करीब 127.30 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति हुई। इसी क्रम में विभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग हिमांशु बागड़ी ने बताया कि शुक्रवार को खनन सत्र संपन्न हो गया। अक्टूबर माह में अब फिर से खनन कार्य शुरू होगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि अब नदी में जाने वाले सभी रास्तों पर खाई खोदने का काम किया जा रहा है, ताकि नदी में अवैध खनन ना हो सके। साथ ही अवैध खनन की रोकथाम के लिए सचल दल और गश्ती टीमों को अलर्ट किया गया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जी, गोला और नंधौर नदी का जो एफसी क्लियरेंस था 31 मई तक का था, तो जिसके कारण से कल नदी बंद हो गई है। गोला नदी में इस वर्ष 41 लाख घन मीटर माल निकला है और नंधौर नदी में 7,65,000 घन मीटर माल निकला है। अब चूंकि नदी बंद हो गई है, जितने भी नदियों के रास्ते थे उनको काटने के निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं और कार्रवाई चल रही है, जिससे कि कोई भी अवैध खनन इस बीच में ना हो पाए वो किया जा रहा है।